मुकेश्वर पुलिस स्टेशन के हद में आने वाली नरसाना स्थित ओम भवन के प्लॉट नंबर 48 में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर करीब 1,96,000 का माल साफ किया है। फिरियादी अशोक बघमारे अपने परिवार के साथ पूना गए थे, खाली कर देख चोरों ने सेंध लगाई है। पुलिस के मुताबिक 1,00,000 नगद समेत सोने के गहने चोरों ने लूट लिए है। फिलहाल हुडकेश्वर पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है। कलमना पुलिस थाने के हद में एक जबरी चोरी का मामला सामने आया है। सोमवार रात 11 बजे के आसपास यह घटना ओम सोसाइटी में हुई। फिरियादी का नाम अभिषेक मेश्राम है। अभिषेक पैदल घर लौट रहे थे कि पीछे से 4 अज्ञात लुटेरों ने उनके सर पर वार किया और मोबाइल के साथ नकद ऐसे कुल मिलाकर करीब 15,200 रुपए का माल जबरन छीन कर भाग गए। देश की अंतरिम सुरक्षा के लिए पुलिस अपना कर्तव्य दिन रात निभाती है। संरक्षण नायक खर निग्रनाय इस ब्रीद वाक्य को ध्यान में रखते हुए पुलिस जनता के सुरक्षा के लिए तत्पर रहती है और इसीलिए पुलिस दल को धन्यवाद देते हुए महाराष्ट्र राज्य पुलिस राइजिंग डे के अवसर पर सिटीजन्स फोरम द्वारा पुलिस आयुक्त भूषण कुमार उपाध्याय और पुलिस कर्मचारियों का सम्मान किया गया। पुलिस विभाग द्वारा 2 जनवरी से पूरे एक सप्ताह पुलिस राइजिंग डे के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान विविध कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। पुलिस अपना कर्तव्य निभाती है, सदैव जनता के संरक्षण के लिए दिन रात ड्यूटी देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सिटीजन्स फोरम फॉर इक्वेलिटी द्वारा हर साल की तरह इस साल भी पुलिस के आभार माने गए। पुष्प गुच्छ देकर पुलिस कर्मचारी और पुलिस कमिश्नर भूषण कुमार उपाध्याय इनका सम्मान किया गया। आयुक्त साहेबांचं जे एक स्वप्न आहे की पोलिसांमध्ये आणि पब्लिकमध्ये जे जनरल पब्लिक आहे त्यांच्यामध्ये चांगला समन्वय राहिला पाहिजे आणि एक चांगला जे काही कोणत्याही प्रकारचा दुरावा त्यांच्यामध्ये नाही निर्माण झाला पाहिजे त्याच्याकरिता ते सतत प्रयत्नरत राहतात। देखिए, हमारे मधुकर कुकड़े जी हैं, ये कई वर्षों से इस मौके पे कार्यक्रम आयोजित करते हैं और पुलिस के प्रति लोगों के मन में एक अच्छी भावना पैदा हो इसके लिए कुकड़े जी काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी मैं यहाँ पे आया था और अभी महाराष्ट्र रेजिंग डे के उपलक्ष्य में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं तो उसी की कड़ी में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसका यही पर्पस है कि पुलिस और पब्लिक के बीच जो नाता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। पुलिस के प्रति लोगों के मन में बहुत सारे गैर समझ रहते हैं, उसको कैसे दूर किया जाए, उसी तरह पब्लिक के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम और अच्छे ढंग से कैसे समझ के पब्लिक की सेवा कर सकें, ये इसका पर्पस है। इस वक्त उपाध्याय ने कहा कि महिला की सुरक्षा के लिए कई नई उपाय योजना की जाएगी, साथ ही पुलिस कर्मचारियों के सेहत का ख्याल रखते हुए हेल्थ कार्ड बनाने की भी बात कही है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।